हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एन बी क्रिएटर। तो इसमें हम एलजेब्रा में जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, काफ़ी एसएससी सीजीएल में और काफ़ी कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको तीन चार चीज़ें याद करने की हैं। जैसे आपका दिया गया है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू कोई भी एक सम नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना, ये मान के चलते एन। तो यहाँ से आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस टू, ठीक है ना, इसको याद करना है। और जब भी बात करेंगे एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू की, तो इसका हम एक बार क्यू करके माइनस उसका गुना कर देंगे, माइनस थ्री एन, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से अगर इसका दुगना करेंगे तो इसका स्क्वायर करके इसमें से टू घटा देंगे। जैसे एक्स की पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स, तो इसका क्या हो जाएगा एन क्यू माइनस थ्री एन का होल स्क्वायर माइनस टू। अब बात करते हैं जैसे एक्स इसका दुगना, तो इसका स्क्वायर करके इसमें से दो घटा दो, जिसका भी दुगना पूछा जाए उसका स्क्वायर करके उसमें से टू सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर, तो इसमें से हमने क्या किया एन स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू करके इसमें घटा दिया है। एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव, तो इसमें से हमने क्या किया जब पाँच निकाले इसका फॉर्मूला क्या होता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना है, स्क्वायर माइनस टू और एन क्यू माइनस थ्री एन में से एन घटा देना है, ठीक है ना। हम सवाल लेते हैं कुछ एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दिया गया है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू फोर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है एन स्क्वायर माइनस टू, इसमें से उसका संख्या का वर्ग करके इसमें से दो घटा देना होता है, ठीक है ना। और जब भी इसकी बात पूछी जाए इसमें हमेशा वही संख्या होगी जिसमें वर्ग बनाने के लिए आपको दो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो n का मान क्या है हमारा 4 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे क्या होगा 16, 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारा 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 निकालेंगे तो इसका हम जब 4 की बात की है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, यानी 14 का स्क्वायर 196 और 196 में 2 जाएगा तो 194 आंसर आएगा। अब बात जैसे अगला एग्जाम्पल है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3 दिया गया है, तो देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसका हम वर्ग कर देंगे थ्री का स्क्वायर एन इसमें से एन स्क्वायर माइनस टू, ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। तो एन स्क्वायर यानी थ्री का स्क्वायर क्या होगा नाइन, नाइन और माइनस टू, तो नाइन माइनस टू सेवन। तो इसी इसका हम जब भी इसका निकालेंगे तो सेवन का स्क्वायर माइनस टू यानी 47, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल जो काफी ज्यादा पूछे गए हैं एग्जाम में। x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री, देन एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो n का मान 3 दिया गया है। अब इसका क्या होता है फॉर्मूला एन क्यू माइनस थ्री एन, ठीक है ना। तो एन क्यू तीन थ्री का क्यूब निकाला तो 27 और 3 इंटू थ्री नाइन, तो इसका क्या आएगा 18। जब भी इसकी बात की जाए तो इसका डायरेक्ट क्या होता है 18, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अब जैसे x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 4 दिया गया है, तो एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू का, तो यहाँ पर n इक्वल टू 4 क्यू, तो इसका 4 का क्यू 64, इसमें से 4 इंटू थ्री यानी 12, तो इसका क्या हो जाएगा 42। इसमें फॉर्मूला हमारा क्या लगा है एन क्यू माइनस थ्री एन। अब जैसे ही हम इसका स्क्वायर का निकालेंगे तो हमने क्या बताया था इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है ना। तो एन क्यू माइनस थ्री एन, एन क्यू माइनस थ्री एन यानी हम निकालेंगे एन क्यू, तो एन क्यू यहाँ से एन क्यू यानी 4 चौको 16 चौको 64 यानी 3 और इसका 52 निकालेंगे तो हमारा आएगा 80 और 80 में से 2 जैसे ही हम तो इसका 324 इसमें से 2 घटाएंगे तो 322 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये हमने निकाला है इसके ऊपर वाले का, ठीक है ना, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाना कि 52 की, ये हमने निकाला है इसका। यहाँ पर हमारी n की वैल्यू क्या दी गई है 3 दी गई है, तब आंसर आएगा ये वाला, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। अब जैसे x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू रूट फाइव दिया गया है तो q, तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है एन क्यू माइनस थ्री एन, तो एन क्यू यानी रूट फाइव का क्यू, फाइव रूट फाइव माइनस थ्री रूट फाइव, तो हमारा कितना आएगा 2 रूट फाइव। तो इस तरीके से आप कई सवालों को सॉल्व कर सकते हो। जैसे रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इक्वल टू रूट सिक्स दिया गया है,
तो एक्स क्यू, अब हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स किस कैसे निकालेंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे एक बार, तो इसका स्क्वायर करने पर एक्स सिक्स आया, इसमें से गया तो फोर गया, अब इसका स्क्वायर करके दो घटा देंगे तो 16 माइनस 2 यानी 14 आंसर आ जाएगा। सेम इसका करेंगे तो इसका एक बार स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, टू टू जा फोर, टू जा एट, और एट में से टू गया सिक्स, सिक्स का 36, 36 में गया 2, 34, ठीक है ना। और 8 + 1/8 इक्वल टू एक्स प्लस 1/6 इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें से एक्स एक्स कॉमन, जब भी हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्स, नीचे से एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर एक्स बचा है, 1 + x, 6 से 6 चला गया, तो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 8 दी गई, 8 लिख दिया माइनस 6, तो 5/2 यानी हमारा कितना आंसर आ गया 2.5। इस तरीके से एक और सवाल, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब हमें x प्लस 1/x के फॉर्म में लाना है, तो हम पहले इसको स्क्वायर की इसको हम क्या, इसमें से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या बचा एक्स क्यू, इसमें से कॉमन लिया तो हमारा क्या हो जाएगा 1/x³, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं x का, तो इसमें डिवाइड करेंगे x बचेगा, इधर डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 बचेगा, इधर 1/x, इसको हमने लिख दिया x प्लस 1/x माइनस 3 x³ + 1/, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका n का क्यू माइनस 3n, तो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या दी गई 5, तो 5 का क्यू माइनस 5 × 3, और 5 - 3 तो 5 × 5 = 25 - 15/2, तो इसका 110/2 यानी 55 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे ये सवाल एक और दिया गया है, रूट से रूट एक्स माइनस 1/√x इक्वल टू 4, तो हम जब भी इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो इधर 16 हो जाएगा, इसका एक्स प्लस 1/√x² माइनस 2ab, तो इधर से ये कट गया माइनस 2, इधर जाएगा कितना जाएगा प्लस में, तो 18 का हमारा वर्ग क्या होता है, अब हमें क्या फॉर्मूला लगेगा, एन स्क्वायर माइनस 2, तो 18 का क्या होता है 324 - 2 322 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई इंपॉर्टेंट एलजेब्रा की क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।